नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का इस आमंत्रण के लिए। डॉक्टर साहब, आज मैं जानना चाहूंगी कि कई बार लोग ये जानना चाहते हैं और आपसे लोगों ने सवाल भी किया है कि बच्चा है, नवजात बच्चा है, उसके सर पे पपड़ी तरीके का कुछ जम गया है, तो ये क्या है और इसका ये जो है क्यों जम जाता है? ये जो नवजात शिशु हैं और ख़ास करके प्रथम 3 से 4 महीने में हम लोगों ने देखा है कि ख़ास करके जाड़े के दिनों में अगर बच्चे को अच्छी तरह से नहलाया नहीं गया और जो स्वाभाविक है कि चूँकि अभी आप इतनी ठंड पड़ रही है तो हम नहीं बताएंगे कि आप छोटे बच्चे को रोज़ नहलाएं, लेकिन अगर ठीक से नहीं नहलाया गया तो वो एक प्रकार का एक सिबोरिया कैपिटिस बोलते हैं हम लोग उसको, एक प्रकार की परत पड़ जाती है सर के ऊपर, जिसका निदान जो है वो आसानी से किया जा सकता है अगर हम तेल को लगाना छोड़ दें कुछ दिन और साथ में स्टेरॉयड का एक मामूली क्रीम, कोई भी स्टेरॉयड जो है हल्का, एक सुबह शाम अगर लगा दें तो 15 से 20 दिनों में ये पपड़ी जो है धीरे धीरे गायब हो जाएगी। लेकिन साथ में ये ख्याल रहे कि अच्छी तरह से सर को थोड़ा सा गुनगुने पानी से ही सही एक बार कम से कम पोंछ जरूर देना होगा, अगर धोएं ना भी तो, और उसके बाद अगर स्टेरॉयड क्रीम को लगाएं तो ये पपड़ी धीरे धीरे कम हो जाती है। इस पपड़ी में कोई विशेष मलहम की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि स्टेरॉयड का जो माइल्ड स्टेरॉयड होते हैं बहुत सारे हैं, तो उनका सुबह शाम इस्तेमाल ही काफ़ी होता है इस पपड़ी को हटाने के लिए। इसके लिए कोई बहुत बड़ी एंटी फंगल दवा देने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिबोरिया कैपिटिस बोलते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात घरेलू उपचार पे भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब तेल लगाते हैं तो भी बहुत सारे उपचार करते हैं और बहुत बार देखा जाता है कि छोटे बच्चे हैं तो स्क्रैच कर देते हैं नाखूनों से सर को। देखिए, ऐसा है कि ख़ास करके जैसा अभी आपने पूछा जिस पपड़ी के बारे में, उसका नाम है सिबोरिया कैपिटिस, उसमें अगर तेल लगाएंगे तो फिर वो दवा का प्रभाव नहीं होगा। अगर लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि तेल भी क्यों नहीं लगाएं और उसके ऊपर फिर दवा लगाएं, तो फिर वो प्रभाव उसका नहीं होगा, क्योंकि हमें उस चीज़ को, परत को हटाने के लिए स्टेरॉयड की मामूली क्रीम देनी ही पड़ती है। तो वो जब परत हट जाए तो फिर आप पुनः तेल लगाइए, वो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस परत को हटाने के लिए माइल्ड स्टेरॉयड का उपयोग जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि नहाने जो जब नहलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, तो किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब बच्चे को नहला रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम उस टाइम करें? देखिए, नहलाने में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, और नहलाने में जो ख़ास करके ठंड के दिनों में अगर नवजात शिशु की हम बात करें तो नहलाना उसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि उसको पेट के बल लिटा करके पानी को छींटना पड़ता है माथे से लेके पैर तक, और उसको स्पोंज कर देना ही उसका नहलाना होता है। नहलाने के लिए उसको कोई पानी में डुबकी लगा के नहलाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए नहलाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन याद रहे कि माहौल जो है वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए, ठंड के दिन में रूम को गर्म होना आवश्यक होता है और ज़्यादा देर बच्चे को एक्सपोज नहीं करना है, उसको जल्द से जल्द गुनगुने पानी से उसको छिड़क के उसको पोंछ देना ही उसका नहाना होता है, तो ऐसे नहाने से कोई हर्जा नहीं है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि एक नवजात बच्चा है, सर पे पपड़ी जम जाए तो क्या करें, कैसे नहलाएं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ साझा किया है कि अगर घर में नवजात बच्चा है, सर में पपड़ी जम गई है और पपड़ी को हटाना है तो क्या किया जा सकता है। साथ में डॉक्टर साहब ने हमें ये भी बताया कि नवजात बच्चे को कितने दिनों पर और कैसे कैसे नहलाना है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं कॉमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।